नगर निगम एरिया में रह रहे पेट डॉग्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें निगम में मैनुअल तरीके से अपने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वह निगम के पोर्टल पर ही अपने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। असल में नगर निगम एरिया में लोगों ने पेट डॉग्स पाले हुए हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन निगम में नहीं कराया गया। इसीलिए ULB ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके बाद निगम की वेबसाइट पर डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी तैयार किया जा रहा है। अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉलोनी, पिन कोड, पता, डॉग कैटेगरी, ब्रीड, डॉग की आयु, उसका रिकॉर्ड तथा फोटो, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुत्ते को लगाए गए एंटी रैबिस इंजेक्शन का सर्टिफिकेट जो कि डॉग्स क्लिनिक या फिर सरकारी अस्पताल से मिलता है, उसे लगाना अनिवार्य है। नगर निगम में पेट डॉग्स का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लगभग 5 साल पहले जब डॉग्स शो हुआ था, उस समय 5 लोगों ने अपनी डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन 1 साल का होता है, उसके बाद किसी भी डॉग के शौकीन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपको बता दें, http://www.mcambala.government.in वेबसाइट खोलने के बाद वहां डॉग्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। उसे खोलने के बाद सारी जानकारी भरकर अपलोड करना होगा। नगर निगम से ओके रिपोर्ट मिलने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। डॉग्स रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट अर्बन लोकल बॉडीज ने तय की है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है। इसके बाद नगर निगम डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।